हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट सूजी का उपमा। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सूजी का उपमा बनाना बताऊँगी। इसमें आप चाहे जो भी सब्जियाँ आपके पास हों वो बिल्कुल बारीक काट काट के डाल सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले एक कटोरी सूजी ले ली है, थोड़ी सी स्वीट कॉर्न थी मेरे पास तो मैंने ये भी ले ली है, ये मूंगफली की गिरी इसमें ज़रूरी होती हैं। ये मैंने थोड़ी सी बीन्स ली है बारीक कटी हुई, ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, ये टमाटर बिल्कुल बारीक कटा और हरी मिर्च उसमें, और ये मैंने मोटी मोटी चॉप करके प्याज ली है। प्याज मुझे मोटी मोटी ही पसंद है इसलिए मैंने मोटी काटी, आप अपनी पसंद के अनुसार काटिएगा। ये मैंने आलू लिए हैं बिल्कुल बारीक काट के, और ये लिए मैंने शिमला मिर्च बिल्कुल छोटे छोटे पीस में। देखिए इस तरीके से सब्जियां आपको बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप करनी है। ये मैंने घी लिया है सूजी भूनने के लिए, और ये मैंने थोड़ी सी पीली सरसों, राई और करी पत्ता लिया। करी पत्ते का इसमें फ्लेवर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है तो इसलिए करी पत्ता ज़रूरी है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी चढ़ा लूँगी और सबसे पहले अपना मूँगफली दाना भून लूँगी। अब ये मूँगफली दाना मैंने डाल दिया है, जब तक ये अच्छे से चटक नहीं जाता तब तक इसे आप भूनिएगा। देखिए मैं हमेशा हैवी थली की कढ़ाई का ही यूज करती हूँ सारे खाना बनाने में, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हैवी थली की कढ़ाई होनी चाहिए। देखिए मूँगफली गिरी अब हमारी भून गई हैं, अब इन्हें निकाल कर हम इसी कढ़ाई में अपनी सूजी भून लेंगे। मैंने सूजी डाल दी, सूजी में थोड़ा सा घी डाल देंगे देसी, और अब इसको अच्छे से भून देंगे। जब इस तरीके से आप उपमा बनाएंगे तो ये पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगा, और ये हल्का भी होता है और फटाफट 10 मिनट में बन जाता है। ये देखिए मेरी सूजी अब गोल्डन हो गई है, अब हम अपनी सूजी को निकाल लेंगे। देखिए इसमें आपको सब्जियां बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है, चाहे तो आप सब्जियां रात को कट करके रख लीजिए और सुबह सिर्फ 10 मिनट में आपका उपमा तैयार हो जाएगा। अब इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने अपनी राई, सरसों का दाना और करी पत्ता डाल दिया है। इसे चटकने के बाद इसमें मैं अपनी प्याज छोड़ दूँगी। ये देखिए अब मैंने इसमें प्याज छोड़ दिए, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि प्याज का फ्लेवर ज़्यादा पकने के बाद ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, फिर हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हींग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें सबसे पहले छोड़ेंगे आलू, क्योंकि आलू को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए सबसे पहले आलू छोड़ेंगे, आलू को अच्छे से भून लेंगे। आलू को भूनने के बाद इसमें एक एक करके हम अपनी सारी सब्जी ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च, इसे भी चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने गाजर डाल दी हैं, इसके बाद मैंने बीन्स डाल दी हैं, अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां मतलब आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। अब मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों का क्रिस्पीपन इसमें अलग फ्लेवर लाता है तो इसलिए सब्जियों को पकाना नहीं है। अब मैंने स्वीट कॉर्न डाल दी हैं, अब अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए हमने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से 3 कटोरियां हमें इसमें पानी ऐड करना है। याद रखिएगा पानी का माप बिल्कुल सही होना चाहिए, जिस कटोरी से आप या जिस भी बर्तन से सूजी लेंगे उसी बर्तन से आपको 3 गुना पानी डालना है। अब देखिए कुछ टाइम ढकने के बाद इसमें उबाल आ गया है, अब एक उबाल आने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए सब्जियाँ आपको पकानी है, उसके बाद इसमें सूजी ऐड कर देनी। देखिए कितना अच्छे से उबाल आ रहा है, तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को धीरे धीरे डालते हुए ऐड करना है जिससे कि उसकी गांठें ना बने। जब हम कच्ची सूजी का उपमा बनाते हैं तो उसमें गांठें बन जाती हैं, तो अब ये लेकिन हमारी सूजी भुनी हुई है तो इसमें कोई गांठें नहीं बनेगी और ये फटाफट बन जाएगा हमारा उपमा, और इसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने सूजी इसमें सारे डाल दी है, अब इसे बराबर चलाते हुए पकने देंगे। देखिए काफ़ी टाइट हो गई है ये। अब इसमें सबसे लास्ट में हम मूंगफली की गिरी ऐड कर देंगे, मूंगफली की गिरी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो मूंगफली की गिरी बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब ये देखिए हमारा उपमा तैयार है, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खिला खिला और कितना अच्छा बना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है हमारा उपमा, आप भी ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।